हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2022 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में समरी एक्सप्लेनेशन की आज सेकेंड क्लास है। और आज की क्लास में स्टूडेंट हम सभी सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ, जो कि एक लिरिक है, एक लिरिकल पोयम है, या जिसे हम इंडिविजुअलिस्टिक पोयम के नाम से जानते हैं, आज हम इस चैप्टर की समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और स्टूडेंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस समरी को लिखकर जरूर याद करें, तो हो सकता है शायद ये मेरी मेहनत आपके लिए सार्थक हो। सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ की एनालिसिस मैंने की थी, जिसे आप प्रीमियम क्लास के नाम से इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप सेकेंड चैप्टर की एनालिसिस देख सकते हैं। आज की इस क्लास में स्टूडेंट सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ, जिसके राइटर वाल्ट विटमैन हैं, इसकी समरी को हम देखेंगे। वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। इसे ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब भी आप समरी लिखेंगे, जहां आपको राइटर का नाम देना हो, वहां आप अगर उसके नाम के साथ ब्रैकेट में उसका जन्म और उसके मरने के ईयर को अगर लिखते हैं, तो उससे आपके समरी का वेट बढ़ जाएगा। तो आइए इस समरी को हम शुरू करें। सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ इज एन इंडिविजुअलिस्टिक पोयम, यानी सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ एक इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिवादी कविता है, कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, जिसे वाल्ट विटमैन ने लिखा है। अब यहाँ आपको वाल्ट विटमैन के जन्म 1819 और मृत्यु 1892 को कोस्ट में लिख देना है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट एन्जॉयज, कवि खुशी मनाता है हिमसेल्फ खुद ही, एंड सिंग्स और गाता है फॉर द सेल्फ खुद के लिए। इस पोयम में कवि खुद ही खुशी मना रहा है और खुद ही गा भी रहा है। उसे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो इस बात को मानता है कि खुश रहने के लिए हम ही काफ़ी हैं, हमारा होना ही काफ़ी है, हमारा अस्तित्व ही काफ़ी है। ही सीज, वो देखता है हिमसेल्फ खुद को इन अदर्स, दूसरों में। कवि का मानना है कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति एक जैसा है। जन्म लेने की जो प्रक्रिया है माँ के शरीर से, वो सभी के साथ है। सभी इस हवा में सांस लेते हैं, इस मिट्टी के उपजाई गई फसलों को खाकर जीवित रहते हैं, तो सब एक जैसे हैं। ही सेज दैट, वो कहता है कि व्हाट ही अज्यूम्स, जो भी वो मानता है, जिस पर भी वो विश्वास करता है, शुड बी अज्यूम्ड, उसे मानना चाहिए बाय ऑल, सभी के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड, खून का हर एक कतरा इज द सेम, एक जैसा होता है इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव प्राणियों में। तो कवि का मानना है कि अगर वो अकेले खुश रह सकता है, अकेले खुशियां मना सकता है, तो दुनिया के सारे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके खून का हर एक कतरा एक जैसा ही होता है। प्रकृति ने इंसान को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दरअसल पोएट यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, वैश्विक भाईचारे की बात करता है इस चैप्टर में। स्टूडेंट ही सेज, वो कहता है, कवि कहता है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वो 37 साल का है,
एंड ही इज हेल्दी और वो स्वस्थ है एंड होप्स और आशा करता है टू रिमेन टिल डेथ कि वो अपने मृत्यु के दिन तक आखिरी दिन तक ऐसे ही स्वस्थ रहेगा. ही एक्सप्लेन्स वो बताता है हाउ मच ही लव्स द वर्ल्ड कि दुनिया से वो कितना प्यार करता है स्पेशली नेचर खासकर प्रकृति से उसे कितना प्यार है एंड हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर जस्ट एज इट शुड और कैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं एक साथ जैसे इसे होना चाहिए. एवरीथिंग इज गुड टू हिम लेखक के अनुसार सारी चीज़ें अच्छी हैं एंड नथिंग इज बैड कोई भी चीज़ बुरी नहीं है दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू सम लार्जर गुड जो सामना कर सके योगदान कर सके जो योगदान नहीं करती हैं बड़ी बड़ी खुशियों में. नेचर हैज़ पैटर्न्स दैट फिट टुगेदर लाइक अ वेल बिल्ट हाउस प्रकृति ने इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित किया है जैसे अच्छे से बना बनाया घर हो जैसे घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं सजी धजी रहती हैं वैसे ही प्रकृति ने अपने आप को सजाया धजाया है वो व्यवस्थित है. कवि नेचर से बहुत प्यार करता है प्रकृति से उसे बहुत प्यार है इसलिए ये सारी बातें वो कह रहा है. ही ऑलवेज कीप फीलिंग और थॉट्स इन माइंड फॉर गुड एंड बैड वो हमेशा भावनाएं रखता है अपने मन में विचार रखता है अपने मन में अच्छे और बुरे दोनों के लिए. उसका मानना है कि दुनिया में दोनों तरह की चीज़ें हैं अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं पर हमें सारस की तरह से होना चाहिए. सारस को अगर दूध में पानी मिला के आप दे दें तो वो केवल दूध को पी लेता है पानी को छोड़ देता है वैसे ही इस दुनिया में अच्छी और बुरी हर तरह की चीज़ें हैं और हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए बुरी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए. ही इज रेडी कवि तैयार है फॉर एनी हजार्ड हर तरह के खतरे के लिए इन हिज लाइफ अपने जीवन में जितने खतरे आ सकते हैं उन सभी के लिए कवि तैयार है. आफ्टर रीडिंग दिस पोयम इस कविता को पढ़ने के बाद वी फील दैट ये हमें महसूस होता है कि दिस पोयम डज नॉट बिलोंग इस पोयम का वास्ता नहीं है टू अ पार्टिकुलर एपोच किसी व्यक्तिगत समय से किसी व्यक्तिगत युग से और स्कूल या किसी विचारधारा से और क्रीड या किसी धार्मिक मान्यता से. इस पोयम का संबंध न तो किसी खास युग से है ना विचारधारा से है और ना ही धार्मिक मान्यता से है. ये पोयम सीधे व्यक्ति की जिंदगी से है व्यक्ति से है और ये पूरी तरह से इंडिविजुअल है. लास्ट लाइनें हैं इस पोयम की वाल्ट विटमैन थिंक्स वाल्ट विटमैन सोचते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल कि लोगों के लिए ये ज़रूरी है टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस कि वो अनुभवों से सीखें एंड नॉट थ्रू बुक्स और टीचर्स न कि किताबों और टीचर्स से. देखिए अनुभव जो होता है एक्सपीरियंस कम्स विद बैड एक्सपीरियंस अनुभव हमेशा बुरे अनुभवों से मिलता है. संदीप माहेश्वरी का एक कथन है सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस. सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव बुरे अनुभवों से मिलता है. टीचर भी सिखाता है और समय भी सिखाता है पर दोनों में अंतर ये है कि टीचर सिखा लेने के बाद परीक्षा लेता है और समय परीक्षा ले करके हमें सिखाता है. तो टीचर का सिखाया शायद भूल सकता है लेकिन समय का सिखाया कभी नहीं भूलता इस बात को याद रखिएगा.
दिस पोयम गिव्स अ मैसेज, ये कविता ये संदेश देती है कि ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियाँ चंदन की तरह से होती हैं, अगर आप इसे किसी और के माथे पर लगाते हैं तो आपकी उंगलियाँ भी महक उठती हैं। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और इस समरी को आप ज़रूर याद कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ में समरीज और आगे आने पर क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, गुरु लर्निंग ऐप से, और इस ऐप से भी आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा टारगेट है बिहार टॉपर, एक विद्यार्थी जिसकी तस्वीर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, जो भी न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ आते हैं उसके फ्रंट पेज पर छपे, और आजीवन वो इस बात को लेकर खुश रहे कि जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने टॉप किया था। और किया जा सकता है, आसान है, मेरे साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। बीके सिंह हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।